स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि पूजा में पान के पत्ते के इस्तेमाल का विशेष महत्व है। आज हम आपको पान के कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे जिन्हें आजमाकर जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। पान का दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा सकता है, जबकि पान खाने से पाप होता है, वो पाप पान दान करने से नष्ट हो जाता है। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को नजर लगी हो तो व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख कर खिला दें। इससे बुरी नजर हट जाएगी। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव को पान अर्पित किया जाता है। अगर भगवान शिव को विशेष पान अर्पित किया जाए तो हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। इस विशेष पान में केवल कथा, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डली हुई होती है। महादेव का पूजन कर नैवेद्य के पश्चात आपको ये पान अर्पण करना है। यदि आप रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके सभी रुके हुए काम संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए पान के पत्ते की जड़ को घिस कर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह के लिए देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकान या आपके व्यवसाय पर कोई बाधा लगा दी है तो आप शनिवार प्रातः 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान में पूर्व की ओर बांध दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपकी दुकान की बिक्री भी बढ़ेगी और आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, हमारे बताए हुए इन पान के पत्तों के टोटकों को जरूर अपना कर देखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।